चलो देखो बेटा, हम लोग टॉपिक कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है चैप्टर हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कराया था लास्ट लेक्चर में, और आज हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। फटाफट आ जाओ सब लोग, क्वेश्चन नंबर 23। चलो तब तक जरा बोलते जाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कितने टाइप की एरर्स होती हैं? एक एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरी क्लरिकल एरर। क्लरिकल फर्दर कितने टाइप की होती है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। क्या आप कंपनसेटिंग एरर्स को ठीक करते हो? क्यों? सेल्फ रेक्टिफाई हो जाती है। अच्छा मुझे बताओ, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कास्टिंग कौन सी एरर है? एरर ऑफ कमीशन। कोई चीज लिखना भूल गए? एरर ऑफ ओमिशन। पूरी तरीके से लिखना भूल गए? कंप्लीट ओमिशन। और एक पार्ट लिखा, एक पार्ट छूट गया, तो वो क्या हो गया? पार्शियल ओमिशन। क्या जर्नल में पॉसिबल है? कहाँ हो सकता है? लेजर में। अच्छा, रेक्टिफिकेशन तीन अलग अलग स्टेजेस पे होता है। पहला, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्या आप किसी भी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट लिखोगे? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले क्या लिखोगे? लिखोगे। और ट्रायल फाइनल अकाउंट बनने के बाद सस्पेंस तो आएगा ही आएगा, नॉमिनल अकाउंट की जगह कौन आ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। चलो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर बताओ बेटा। 40 चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23 2018 में 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया है। 2018 में 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया है, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या लिखा है। अब आज हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं। शुरू करूं? देखो सब बच्चे स्क्रीन पे, द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड। अब ये देखो क्वेश्चन हिंट दे रहा है, पढ़िए जरा स्क्रीन पे देखिए, द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये गलतियां मिली किसी कंसर्न के, कब मिली? आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड। बुक्स क्लोज्ड होने का मतलब जर्नल बन गया, लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब बन गई। तो इसका मतलब यहां पे एरर्स को कब रेक्टिफाई करना है? आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। आगे बढ़िए, एंड अ सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपेंड इन ऑर्डर टू गेट ट्रायल बैलेंस अग्रीड। अच्छा कह रहे हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ नहीं तो एक सस्पेंस अकाउंट से टैली करवाना पड़ा। चलो ठीक है, अब ये गलतियां रही, सात गलतियां दे रखी है। नीचे क्या कहता है पढ़ो, फाइंड आउट द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड पास एंट्रीज। अब आप देखो, ये नई चीज है इस क्वेश्चन में, ये नई चीज है, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहां देखते हैं, पास एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो देखो सब बच्चे, देखो ये एक नया पॉइंट आपके पास आएगा, लेकिन इसको बाद में देखेंगे, पहले इन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। शुरू करूं? चलो स्क्रीन पे देखो और हेल्प करो मेरी। अब बताओ कब ठीक कर रहे हो एरर्स? व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कि फाइनल अकाउंट्स क्लोज हो गए तो क्या एज्यूम कर लोगे? नहीं, कभी भी एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, पढ़िए सामने देखो, कहता है सेल्स डे बुक ओवरकास्ट। अच्छा पहले मैं एक बात और रिवाइज करा दूं, चलो एक बार आखिरी बार और बता दो, क्या फाइनल अकाउंट बन चुके हैं या अभी बनने हैं? जब बन चुके हैं तो क्या होगा? हम कोई भी एंट्री पढ़ेंगे, उसका रेक्टिफिकेशन सोचेंगे, सोचने के बाद जहां नॉमिनल अकाउंट आएगा वहां क्या लिख देंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट। और मैंने क्या बताया था, कभी कभी ऐसे होगा
डेबिट में भी नॉमिनल अकाउंट होगा, क्रेडिट में भी नॉमिनल अकाउंट होगा, तो यहां भी पीएल एडजस्टमेंट लिखा जाएगा, यहां भी पीएल एडजस्टमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, आइए मैं शुरू कर रहा हूं। स्क्रीन पे देखिए, सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 1000। सब बच्चे देखो, सेल्स बुक को 1000 से ज्यादा दिखा दिया, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा दिखा दिया, तो क्या करें, कम कर दें। मुझे बताओ, सेल्स नेचुरली डेबिट होती है कि क्रेडिट? क्रेडिट, तो इसका मतलब इसने 1000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो हम उसको ठीक करने के लिए 1000 से डेबिट कर दें। और ये सिंगल साइडेड एरर है, खाली सेल में गलती हुई है, तो क्रेडिट कौन होगा? सस्पेंस। और इसने तो पहले ही हिंट दे दिया कि सस्पेंस अकाउंट खोल रखा है, तो पहली एंट्री का रेक्टिफिकेशन क्या हुआ? लिखिए क्या हुआ, इधर देखो, मैं लिख रहा हूं, फिर अभी इसको काट के फिर से लिखूंगा। सेल को डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे? सस्पेंस को। लेकिन सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, उसकी जगह कौन आ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या एंट्री बन गई? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फटाफट लिखो, लिखिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बींग ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। पहली गलती हमने ठीक कर ली, अब हम दूसरी गलती ठीक करने चल रहे हैं। चलो देखो, सेकंड पॉइंट देखो बेटा, अ सेल ऑफ 5000 टू एक्स। सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, सेल ऑफ 5000 टू एक्स, एक्स को 5000 की सेल करी, मुझे बताओगे एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट टू सेल्स। बोलो बेटा, एक्स डेबिट टू सेल, यही एंट्री होगी 5000 से। अब वो क्या कहता है, पढ़ो, वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन द अकाउंट ऑफ वाई। गलती से इसकी जगह पे हमने वाई को डेबिट कर दिया। सेल किसको करी? क्या लिखा है, कैश सेल करी, तो क्या मान के चलोगे? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट टू सेल्स। ये कौन सी एंट्री है? करेक्ट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने वाई को डेबिट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है वाई को डेबिट कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहां लिखा है क्रेडिट भी गलत किया है? तो आप ये मत मानना कि क्रेडिट भी गलत होगा, जो गलत है वो बता रहा है। इसका मतलब इसने वाई को डेबिट किया लेकिन क्रेडिट सेल को किया है, तो सेल इज ओके, सेल अपनी जगह पे ठीक है। क्या गड़बड़ हो गई? एक्स की जगह पे वाई आ गया। अब बताओ फालतू में कौन डेबिट हो गया? तो वाई को क्रेडिट कर दें? किसको डेबिट होना चाहिए था, हुआ नहीं, कर दें डेबिट। क्या एंट्री बन गई? एक्स डेबिट टू वाई। अब रुक जाओ, अभी बात खत्म नहीं हुई। क्या एक्स और वाई नॉमिनल अकाउंट है? तो पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा, यही एंट्री होगी एक्स डेबिट टू वाई। लिखिए एक्स डेबिट टू वाई 5000। Being wrong debit to Y now rectified. तीसरी एरर देखो स्क्रीन पे, कह रहा है बेटा, तीसरी एरर में वो कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस 180 वॉज पोस्टेड इन जनरल लेजर एट 810। चलो अब मैं समझाता हूं, स्क्रीन पे देखना, अभी कोई जल्दबाजी नहीं। लिखा है जनरल एक्सपेंसेस ऑफ 180। अब एक बात बताओ बेटा, इसमें कुछ लिखा तो नहीं है कि ड्यू है कि पेड है, जो भी है ऐसे समझते हैं। जनरल एक्सपेंस है 180 का, गलती से लिख दिया 810। रॉन्ग अमाउंट इज विच टाइप ऑफ एरर? एरर ऑफ कमीशन।
ठीक है, ये वाली कौन सी एरर थी? रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन, यही तो थी ना। ये क्या है? ये भी क्या है? रॉन्ग रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कास्टिंग, वो भी सब एरर ऑफ कमीशन ही तो होती हैं। तो मैंने पहली क्लास में कहा था 90% क्वेश्चन में क्या मिलेगी? खूब सारी एरर ऑफ कमीशन। अब पढ़ो इधर, कह रहे हैं 810 को, सॉरी 180 को 810 दिखा दिया। अब इधर सब बच्चे देखो, 810 दिखा दिया आपने 180 को, तो आपने 630 से ज्यादा दिखा दिया। क्या ज्यादा दिखाया बोलो? एक्सपेंस। एक्सपेंस की जब एंट्री होती है तो एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? तो इसका मतलब एक्सपेंस को 630 रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर दें? क्रेडिट। डेबिट किसको करें? सस्पेंस को। क्या एंट्री बन गई? सस्पेंस टू एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा। अब बताओ एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो नॉमिनल की जगह कौन आता है? पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या एंट्री बन गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 630 बीइंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ जनरल एक्सपेंस बीइंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ जनरल एक्सपेंस नाउ रेक्टिफाइड। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताना बेटा, सब कोई प्रॉब्लम हो रही है मैसेज दो। एंट्री नंबर 4 फटाफट देखो सब बच्चे। अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 1550 वॉज पास्ड थ्रू बिल्स पेएबल बुक, द बिल वॉज गिवन बाई पी। अब थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तभी समझ में आएगा, स्क्रीन पे देखो। चलो एक चीज मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं इसमें, जल्दी से बताओ। मिस्टर पी को कोई सेल करे तो एंट्री क्या बनेगी? पी डेबिट टू सेल, बोलो बेटा। ठीक है, अब उससे पैसे मांगे तो पैसे उसके पास थे नहीं, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। बिल एक्सेप्ट कर लिया तो एंट्री बनेगी बी आर डेबिट टू पी, पी का खाता बंद, बिल मिल गया हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पी से बिल मिला, तो पी से बिल मिला तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। और ये क्या कह रहे हैं, ये देखो, अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 1550 द बिल वॉज गिवन बाई पी वॉज पास्ड थ्रू बिल्स पेएबल बुक। कहते हैं इसको उठा के लिख दिया बिल्स पेएबल में। अब सब बच्चे देखो, बिल्स रिसीवेबल क्या है? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। एसेट डेबिट होता है। बिल्स पेएबल क्या है? लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो इसने क्या कर दिया? बिल्स पेएबल में लिख दिया। अब इसने बिल्स पेएबल में लिख दिया, इधर देखो, तो इसने लिख दिया 2BP। क्यों? क्योंकि बिल्स पेबल डेबिट होता ही नहीं, बिल्स पेबल नेचुरली क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, कितना अमाउंट था बेटा? 1550। ठीक है, अब ये देखो, 1550 से ये एंट्री होनी चाहिए थी, इन्होंने क्या किया? 1550 से बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब समझना सब लोग, पहले मुझे सब बच्चे सबकी आवाज आनी चाहिए, बताओ क्या ये एंट्री हुई है? नहीं, ये हमने लिखा है समझने के लिए कि क्या रेक्टिफिकेशन कर दें। क्या एंट्री हुई है? ये हो रखा है, यही तो ना। चलो अब मेरे साथ साथ सोचो फटाफट। अब ये बताओ, सब बच्चे बताएंगे, क्या बिल्स पेबल क्रेडिट होना चाहिए था? बोलो। नहीं, तो हो तो गया, अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें? डेबिट। लो नीचे लिखा मैंने बिल्स पेबल डेबिट 1550। कोई डाउट? अब ये करने से कैंसिल हो गया। अब बताओ कौन डेबिट होना चाहिए था? क्या वो हुआ? तो डेबिट करो। यहां पे बिल्स रिसीवेबल को हमने डेबिट कर दिया सेम अमाउंट से 1550। इसका मतलब अब ये हो गया, बोलो बेटा। अच्छा, अब इन्होंने जब बिल्स रिसीवेबल को बिल्स पेबल लिख दिया है तो ऑब्वियसली पी को डेबिट ही तो कर दिया होगा, जबकि पी को क्रेडिट होना चाहिए था। बताओ सब बच्चे, अब याद करो तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी में क्या था? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, बी आर बी पी।
तो जब बिल मिलेगा, जब हमारे पास कोई बिल मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल बुक अलग है, उस बुक में जाना चाहिए। हमने बिल्स पेबल में लिख दिया तो बिल्स पेबल में लिखेंगे तो पी के नाम से ही तो लिखेंगे, बताओ। ठीक है, अब यहां देखो, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों तो ठीक हो गया, अब हम यहां पे पी को बैलेंस करेंगे। कैसे? अब इधर से बच्चे देखो, पी क्रेडिट होना चाहिए कि डेबिट? फटाफट बोलो, क्रेडिट। क्या कर दिया, कितने से? 1550 से। तो एक बार जब क्रेडिट करूंगा मैं, तब तो ये बैलेंस होगा, ये लो 2P 1550। जब एक बार किया तो ये बैलेंस हो गया। अब फिर जब क्रेडिट करेंगे 1550 से, तब जाके पी क्रेडिट हो पाएगा। और मैंने क्या बताया था, हमेशा रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री को सम करोगे तो क्या मिल जाएगी, करेक्ट एंट्री। फिर से बताऊं, बोलो, ठीक है, आगे आगे फिर से बताऊं बेटा, आए, ठीक है बेटा, चलो बताओ क्या कर दूं एंट्री। बीपी डेबिट, बीआर डेबिट टू पी, लिखिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी। टू पी 1550 1550, और इनका टोटल आ जाएगा कितना, 3100 बीइंग बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्डेड एज बिल्स पेबल रेक्टिफाइड। नेक्स्ट, चलिए आगे देखिए बेटा, स्क्रीन पे देखो, लीगल एक्सपेंसेस ऑफ ₹1190 पेड टू मिसेस नीतू। चलो पहले इतना समझते हैं, लीगल एक्सपेंसेस ₹1190 पेड टू मिस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है पहले मैं बताता हूं, छोड़ो ये डायरेक्ट आएगा नहीं, मैं कुछ पूछ रहा हूं पहले वो बताओ। सब बच्चे इधर देखो, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी, ये लैंडलॉर्ड हैं और बी है टेनेंट। अब ये बताओ, बी ने रेंट पे किया, बी अपने यहां एंट्री क्या पास करेगा, जल्दी बोलो, बी ने रेंट पे किया एंट्री क्या करेगा। मैं दो एंट्री लिख रहा हूं, बताना कौन सी सही है। ठीक है, नंबर एक रेंट डेबिट टू कैश, नंबर दो लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश, कौन सी सही है, पहली की दूसरी? पहली ना, तो वही तो वो भी कह रहा है लीगल एक्सपेंसेस दिए, तो भाई लीगल एक्सपेंसेस की एंट्री होनी चाहिए लीगल एक्सपेंसेस टू कैश, समझ गए। उसमें उसको कहां से डेबिट कर दिया जिसको पे किया है, उसको तो डेबिट होना ही नहीं, उसको डेबिट कर दोगे तो डेटर दिखने लगेगा। यहां अगर लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दो तो ये तो दिखेगा ये बकायेदार है हमारे, पॉइंट समझ में आ रहा है। पढ़ो फिर से, कह रहा है लीगल एक्सपेंसेस दिस पेड टू मिस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट, भाई उसकी एंट्री। अब चलो समझाता हूं, लीगल एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री होनी थी लीगल एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, हमने एंट्री कर दी नीतू डेबिट टू कैश, हमने ये एंट्री कर दी। फटाफट बताओ, क्या नीतू का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, गलती से डेबिट हो गया, बैलेंस करने के लिए क्या करें, क्रेडिट टू नीतू, किसको डेबिट करें, लीगल एक्सपेंसेस को। कैश का क्या करें, कुछ नहीं, कैश तो ठीक ही है, उसने कब कहा कि क्रेडिट में गड़बड़ हुई है, क्रेडिट तो सही है। अच्छा अब रुक जाओ एक मिनट, क्या एंट्री बनी फाइनल, लीगल एक्सपेंसेस टू नीतू। फटाफट बताओ, फाइनल अकाउंट बनने से पहले हो रहा है कि बाद में, कौन सा इसमें नॉमिनल है, लीगल या नीतू, लीगल, तो क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। फाइनल एंट्री क्या बन गई, पीएनएल एडजस्टमेंट टू नीतू, लिखिए।
PNL, adjustment account debit to Mrs. Neetu. क्या अमाउंट है बेटा? 1190. बींग रॉन्ग डेबिट टू नीतू नाउ रेक्टिफाइड. आगे देखो एंट्री नंबर 6. कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम. फटाफट बताओ सब बच्चे, राम से पैसे मिले हैं, एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री होनी चाहिए थी. अब ये क्या कह रहा है? कहता है डेबिटेड टू श्याम. अच्छा इधर लिखता हूं, देखो राम से पैसे मिले तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री होनी चाहिए थी. बेटा सब बच्चे देखो, थोड़ा सा इसमें कई सारी बातें. अगर राम से पैसे मिले तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये हमारी करेक्ट एंट्री है, करेक्ट एंट्री. अब जल्दी से बोलो, इस करेक्ट एंट्री में डेबिट किसको होना था? बोलो, कैश या बैंक? कैश ही तो मिला है ना, तो कैश ही होगा. हाँ तो डेबिट किसको होना था? कैश को. अब वो क्या कह रहा है? कैश को छोड़ो, श्याम को डेबिट कर दिया. पॉइंट समझ में आ रहा है? श्याम को डेबिट कर दिया. तो श्याम को डेबिट कर दिया तो उसने एंट्री करी श्याम डेबिट, श्याम को डेबिट कर दिया. अब इतने से ही बात समझ में आ जाती है. अब मुझे सब बच्चे बताओ फटाफट, ये बताओ क्या श्याम डेबिट होना चाहिए था? तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? श्याम को क्रेडिट. बोलो, श्याम को क्रेडिट कर दोगे रेक्टिफाई करने के लिए. अच्छा नंबर दो, नंबर दो. तो ऐसा करने से ये रेक्टिफिकेशन हो गया. अब मैं एक बार और बता दूं, फिर इसके बाद चलो इधर देखो. कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम अकाउंट. अब एक बार फिर से बताना, जैसे हम लोगों ने इस पर डिस्कशन ही नहीं किया है, फिर समझ में आ जाएगा. राम से पैसे मिले, जल्दी बताओ तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम. इसमें किसी को कोई डाउट है? कौन डेबिट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में? एक बार फिर से बोल दो, कैश. किसको डेबिट कर दिया? तो इसका मतलब कैश डेबिट हुआ ही नहीं, इसका मतलब कैश डेबिट हुआ ही नहीं. अच्छा एक पॉइंट पे तो आपने यहां ध्यान दिया, दूसरे पॉइंट पे ध्यान दो. जरा ये बताओ इसमें क्या लिखा है? गलती डेबिट में हुई कि क्रेडिट में? गलती डेबिट में हुई कि क्रेडिट में? डेबिट में, यही ना. तो राम से अगर पैसे मिलने थे तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और हमने श्याम को डेबिट कर दिया, हमने श्याम को डेबिट कर दिया, श्याम को डेबिट कर दिया. तो हमने श्याम, जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो श्याम को क्रेडिट कर देंगे. एक तो ये पॉइंट हो गया. अब दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, दूसरी बात, अब यहां डेबिट किसको करोगे? डेबिट किसको करोगे? इसमें ना एक छोटा सा कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, वो मैं ठीक करा रहा हूँ, उसको ठीक कर लो तब उसके बाद आगे बढ़े. या चलो इसको भी आखिरी में करते हैं, एक बचा है ये करके, फिर अभी आ रहा हूँ. इसमें बेटा थोड़ा सा कुछ लिखवाना है. आओ ये वाला तब तक ठीक कर लें. चलो सब बच्चे इधर देखो, ये वाला सबसे टेक्निकल है बेटा, इस पर खूब ध्यान देना. स्क्रीन पर देखो, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक टू द नेक्स्ट नेक्स्ट द अमाउंट दिस वॉज रिटन दिस. ठीक है, अब चलो इधर बताओ, सब लोग जल्दी से बताएंगे. परचेज नेचुरली क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होती है. अब एक सेकंड के लिए सोचो, मान लो ये परचेज बुक है, मान लो ये परचेज बुक है, तो परचेज बुक तो हरदम डेबिट ही होती है ना, क्रेडिट कब होती है? क्रेडिट होती ही नहीं, क्रेडिट तो परचेज रिटर्न होता है. परचेज का क्रेडिट क्या है? परचेज रिटर्न. सेल का डेबिट क्या है? सेल्स रिटर्न. बताओ यहां तक ठीक है? अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है. वो कह रहा है
while carrying forward the total of one page of purchase book. कह रहे हैं purchase book का एक पेज हमारा हो गया था. इस पेज का जो टोटल था ये था 1235, ये था 1235. और जब अगला पेज लिखा तो गलती से अगले पेज पे इसको लिख दिया 1325. ठीक है, अब कुल मिला के देखो कितना आसान है बेटा. सब बच्चे सामने देखो, अब इसमें दिक्कत क्या है देखो. चलो आप जवाब दोगे तभी आपको समझ में आएगा. चलो जल्दी से बोलो, परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट. तो इसमें क्रेडिट का कंफ्यूजन ही नहीं है. परचेज बुक में क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. बोलो बेटा, चाहे इस पेज का अगले पेज पे ले जाओगे तब भी रहेगा तो डेबिट ही. कौन सा तुमने क्रेडिट कर दिया है पहले इस बात पे ध्यान दो. बोलो यहां तक ठीक है. तो इसका मतलब परचेज बुक में लिखना था लगभग लगभग 1200 और हमने लिख दिया 1300. तो इसको मैं आसान करके कहूं तो कह दूं परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाई द डिफरेंस अमाउंट. यही तो इसका मतलब हो गया, परचेज बुक को ज्यादा दिखा दिया. अब मुझे बताओ परचेज को ज्यादा दिखाया हो तो इसका मतलब ज्यादा डेबिट कर दिए हो, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट. डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस को. परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल. क्या एंट्री बनेगी? सस्पेंस टू पीएनएल. आओ लिखते एक एंट्री की जगह मैंने छोड़ दी, आखिरी एंट्री हो गई है. क्या बनाया था एंट्री बेटा, मुझे भूल गया. सस्पेंस टू इसका अमाउंट क्या है, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 90 बीइंग ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट. नाउ रेक्टिफाइड. चलो अब लास्ट एंट्री वो देखो, फिर हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट. देखो लास्ट एंट्री, हाँ देखो बेटा, अब ये मुझे इसको ठीक कराना था. आइए फिर से एक बार, एंट्री नंबर 6 वो कह रहा था कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम रुपीज 1500. इसी में आगे लिखना, यहां पे ठीक करो, वाइल कैश अकाउंट वॉज कैश अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड एंड राम अकाउंट वॉज नॉट क्रेडिटेड. ठीक है, अब इधर देखो, हालांकि ये बहुत मैंने इलेबरेट करके लिखवा दिया, इसकी जरूरत अब एक बार ये समझ लोगे तो इसने भी काम हो जाएगा. चलो अब एक आखिरी बार फटाफट देखो, खत्म करते हैं इसको. लो आ जाओ, ये जो हम लोग कर रहे थे देखिए, अब एंट्री है बेटा, सब बच्चे देख लो एक मिनट. वो कह रहे हैं
कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 1500, राम से 1500 रुपए मिले। अगर मिलते तो इसका मतलब करेक्ट एंट्री ये होती, अगर पैसे मिलते तो ये जो एंट्री है ये करेक्ट एंट्री ये होती। अब वो क्या कह रहा है, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना, अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। अब चलो बताओ, कैश किससे मिला था? राम से। किसके खाते में जाना था? किसके खाते में जाना चाहिए था? राम में। और उसने गलती से श्याम में भेजा, ठीक है? पहले इत्मीनान से मेरी बात सुन लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, कैश किससे मिला, फिर से बोलो, राम से। किसके खाते में जाना चाहिए था? राम में। चलो यहां तक भी ठीक था। अब उसने क्या किया, श्याम में लिख दिया। चलो अगर मान लो श्याम में लिख देता तब भी थोड़ी गनीमत थी, कम से कम वो ऐसे लिख देता, कैश डेबिट टू श्याम, ठीक है? अभी पूरा नहीं बता रहा हूं, बस सुनते जाओ तभी समझ में आएगा। कैश मिला राम से तो एंट्री होनी थी कैश टू राम, उसने लिख दिया श्याम में। अगर श्याम में लिखा होता तो ये एंट्री होती कैश डेबिट टू श्याम, तब भी हम समझ जाते चलो राम की बजाय किसके खाते में लिख दिया, श्याम के खाते में। अब उसने तो और ऐसी की तैसी कर दी, क्या कह रहे हैं, श्याम को डेबिट कर दिया। मेरी बात सुन रहे हैं? देखो फिर से एक बार, इन लोगों से कैश मिला तो मुझे इनके खाते में लिखना था ना, मान लो इनके खाते में भूल के आपके खाते में लिख दिया तो भी आप क्रेडिट होते ना, कौन कहे क्रेडिट उठा के डेबिट भी कर दिया आपको, तो एक तो रॉन्ग अकाउंट, दूसरा रॉन्ग साइड। लॉजिक क्लियर हो रहा है? रॉन्ग अकाउंट विद रॉन्ग साइड। अब आओ ठीक करते हैं। अब सोचो जरा एक मिनट के लिए, देखो इधर रिवीजन के लिए मैंने ये इतना एलिबरेट करके लिखवा दिया, लेकिन अब जब समझ जाओगे तो इतना ही काफी है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर पहली बात, ऐसे सोचो, अब स्टूडेंट कैसे सोचता है, कैसे ये गलत हो जाता है, सबको लगता है अच्छा श्याम में डेबिट किया है तो इसका मतलब डेबिट साइड गलत है, डेबिट नहीं सब गलत है इसमें। क्यों गलत है? पहली बात, राम से पैसे मिले श्याम में लिखा तो राम में तो गया ही नहीं, बोलो राम में तो गया ही नहीं। अब राम में अगर ट्रांसफर करोगे तो पहले टू राम लिखना पड़ेगा 1500 से, बोलो हाँ कि ना, करेक्ट है कि नहीं? राम से पैसे मिले लिख दिया श्याम के खाते में, तो राम में तो लिखा ही नहीं, बोलो बेटा। तो पहले तो राम को ठीक किया, अब दूसरा श्याम को फालतू में इसने डेबिट कर दिया है, उसने तो श्याम, उसने एंट्री जो करी है वो ये करी है, उसने श्याम को डेबिट कर दिया है, श्याम को डेबिट, तो श्याम तो डेबिट होना ही नहीं था, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, श्याम को क्रेडिट करोगे, बोलो बेटा किस अमाउंट से, 1500 से। एक आखिरी बार और सुन लो, क्या किससे पैसे मिले थे, सब बच्चे बताओ, राम से। किसके खाते में लिख दिया, श्याम में, तो राम में तो गया ही नहीं, राम में आता तो क्या होता, क्रेडिट, दैट्स वाई हमने राम को क्रेडिट कर दिया, कोई डाउट? अब सवाल कह रहा है कि श्याम को डेबिट कर दिया इसने, डेबिट कर दिया तो बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। पहले बताओ तसल्ली से, इतनी बात समझ में आई? अब सब बच्चे फिर से क्वेश्चन देखो और मुझे एक बात बताना, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये बताओ, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, सिर्फ आप ये देखो ये वाली लाइन। अब ये बताओ, ये जो इतना दिया है क्या इसमें कहीं लिखा है कैश में भी गड़बड़ हुई, बोलो, नहीं ना, तो सब कैश ठीक होगा, कैश पे मत आओ, नहीं कह रहा है तो कैश क्या होगा, ठीक होगा, ठीक है, ठीक होगा तो कैश नहीं आएगा। अब डेबिट किसको करोगे, सस्पेंस अकाउंट को। अभी मैं सारा लॉजिक दे रहा हूं, पहले सुन लो, तो डेबिट किसको करोगे, सस्पेंस को, तो क्या एंट्री बन गई, सस्पेंस टू राम टू श्याम। अब सुनो आपके मन में क्या डाउट आ रहा है, सर कैश लिखा तो है डेबिट टू श्याम अकाउंट, अब ये देखो श्याम क्या लिखा है, वॉज डेबिटेड टू श्याम, इसका मतलब श्याम के खाते में डेबिट कर दिया, खाते में डेबिट करने का मतलब रॉन्ग पोस्टिंग, देख रहे हो, चुन चुन के चार शब्द लिखते हैं लेकिन कितना घुमा फिरा के। अब इसमें कितनी बातें निकल रही, नंबर एक, राम से पैसे मिलने थे लिखे किसमें, पहली बात, नंबर दो, एंट्री नहीं गलत करी, पोस्टिंग गलत करी है, एंट्री गलत होती तब तो दोनों साइड होती ना। लो एक बार और इधर देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। अब ये चलो सब बच्चे मुझे बताएंगे,
बताओ राम से पैसे मिलते तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, हम ये करते। अब ये बताओ बेटा इसके बाद दो लेजर खुलते, एक लेजर होता कैश का, एक लेजर होता राम का। बोलो सब बच्चे, कैश को आप डेबिट करते टू राम, राम को क्रेडिट करते बाई कैश, यही करते। अब वो क्या कह रहे हैं, डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, डेबिटेड टू श्याम, श्याम में डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब फालतू में एक अकाउंट खुल गया श्याम का और ये अकाउंट हो गया डेबिट। तो डेबिट हो गया तो बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट, तो ये खत्म। अब जब ये अकाउंट खुला तो इसका मतलब राम का अकाउंट ही नहीं खुला, तो राम को बैलेंस करने के लिए टू राम क्रेडिट किया, और गड़बड़ तो राम और श्याम में हुई ना, कैश तो ठीक है, तो कैश को क्यों बीच में लेके आ रहे हो। अब डेबिट कौन होगा, सस्पेंस होगा, क्या एंट्री बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम। कोई इसमें पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं तो कहां से आ जाएगा। आओ लिखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम, इसका अमाउंट क्या है, 1500, 1500, 1500 और 3000 being wrong debit to Shyam now rectified. Now rectified. चलो बताओ पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब बेटा सुनो, अब दो तीन मिनट तक आपको कुछ लिखना नहीं है, खाली स्क्रीन पे देखना है, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, फिर जब मैं कहूँगा तब आराम से नोट कर लेना। पहले बताओ किसी पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है, नहीं ना, अब मेरी तरफ देखो, लिखना बंद करो बिल्कुल। अच्छा अब देखो मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ खाली आपको समझाने के लिए, तो वो आपको लिखना विखना नहीं, जो मैं फाइनल बताऊँगा उस पर आना। अब ये बताओ, अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। मान लो इस क्वेश्चन में लिखा होता कि सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 2720 का, मान लो, कहा नहीं है। पहले बताओ रेक्टिफिकेशन हो गया, मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर किसी क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो सस्पेंस अकाउंट बना लेना सारा काम करने के बाद, है ना। अब एक सेकंड के लिए मान लो आपको ये दे रखा है क्रेडिट बैलेंस, तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, लिखना नहीं है आपको, बस देखना है, तो ये बना लिया मैंने सस्पेंस अकाउंट। तो ये बताओ बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस हम लोग यहां लिखते बाई बैलेंस बीडी, या इसको जनरली आपका इंस्टीट्यूट ऐसे लिखता है बाई डिफरेंस इन ट्रायल, तो यहां मैं लिख देता 2720, बस ऐसे देखते जाओ, ऐसे मैंने लिख दिया जो मेरे मन में आया, 2720 हमने लिख दिया, लिखते कि नहीं। अब क्या करते, इस एंट्री में जहां जहां सस्पेंस आया है उसको लाके पोस्ट करते, और पोस्ट करने पे क्या हो जाता, सस्पेंस अकाउंट टैली कर जाता। अब देखते जाना, चलो बताओ जल्दी से, क्या पहली एंट्री में सस्पेंस है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में लिख दूं बाई पीएनएल एडजस्टमेंट 1000 से, बस देखते जाओ बेटा। आगे दूसरी एंट्री में आ जाओ, दूसरे में सस्पेंस नहीं है, तीसरे में सस्पेंस डेबिट हुआ है 630 से, डेबिट करो 630 से टू पीएनएल एडजस्टमेंट। फिर देखो तीन एंट्री हो गई, चौथे में सस्पेंस है ही नहीं, पांचवे में नहीं है, छठे में सस्पेंस डेबिट हुआ है 3000 से, तो लो यहां लिखा टू राम 1500, टू श्याम 1500, और लास्ट एंट्री में सस्पेंस डेबिट हुआ है 90 रुपीज से, तो यहां आ गया 90 टू पीएनएल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब सब बच्चे बताओ, सोचना है बेटा, कुछ लिखने उखने के चक्कर में नहीं पढ़ना, अभी बताओ। मान लो एक सेकंड के लिए मुझे ये बैलेंस दिया होता, तो हम यहां लिखते
फिर जितनी एंट्री में सस्पेंस आया है उसको पोस्ट करते, तो पोस्ट करने पे ये अकाउंट ऐसे ही होता, बोलिए। अच्छा, इसका टोटल करेंगे 3720, बोलिए। अच्छा, मैं टोटल कर रहा हूं, बस देखते जाओ। ये देखो 630 प्लस, ये 630 प्लस 1590 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 90, टैली कर गया, टैली कर गया, इधर भी आ गया 3720। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? मान लो अगर ये बैलेंस दिया होता तो हम यहां लिखते, ऐसे काम करते, टैली कर जाता। कई क्वेश्चन आपने किए हैं जिसमें बैलेंस दिया है। अब इस क्वेश्चन में उसने एक चालाकी करी, क्या वो कहता है सुनना, उसने कहा, अब मैं वो लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं, देखो, उसने कहा पूरे साल भर जर्नल बना, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आ रहा था, है ना, तो सस्पेंस आने के बावजूद भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के फाइनल कर दी। फिर अगले साल गलतियां पकड़ में आई, गलतियों को ठीक करो, हमने ठीक कर दिया, हमने ठीक कर दिया। अब हमसे कह रहा है ये बताओ ट्रायल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, क्या बोला उसने, ट्रायल में कितने का डिफरेंस आ रहा है ये पता लगाओ। ये कहां लिखा है, ये देखो, जो पढ़ने नहीं दिया था आपको, फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। जो सस्पेंस अकाउंट ट्रायल में लिखा था उसका एक तो नेचर क्या था ये बताओ, नेचर का मतलब डेबिट या क्रेडिट, और अमाउंट बताओ, अमाउंट कितने का है, उसने ये कहा। तो मुझको एक बात बताओ, देखो इधर, मान लो अगर ये बैलेंस दिया होता तो ये टैली हो जाता, बताओ बच्चे, टैली हो जाता ना। अब ये बैलेंस अगर नहीं दिया है तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, बैलेंस नहीं दिया है तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, और आएगा कितना, 2720। अब हमको तो 15 साल हो गया ना, सब याद हो गया बेटा, तो ये 2720 आएगा। अब बात समझ में आई, घुमा दिया उसने आपको, पहले क्या करता था, ट्रायल का बैलेंस दे रखा होता था और फिर हमारा अकाउंट टैली कर जाता था, अभी बैलेंस उसने नहीं बताया तो हमें कैसे पता चलेगा। भाई ऊपर से सारी एंट्री पोस्ट करोगे तो ये इधर पोस्ट होंगी, ये इधर पोस्ट होंगी, इधर का टोटल ये आएगा, इधर खाली 1000 है, बैलेंस इधर आएगा, बैलेंस इधर आएगा, तो बैलेंस इधर आ गया, तो इसका मतलब ट्रायल इनका कितने से आउट हो रहा होगा, 2720 से। क्या बेटा, नहीं नहीं रखा नहीं बेटा, वो तो मैं समझा रहा था आपको, ठीक है, आपको थोड़े ना पता है, इधर देखो, आपको तो ये पता भी नहीं है, यही तो निकालना है, यही निकालना है। मैं, मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। इधर देखो, मान लो मशीन का अकाउंट बना रहे हो, सबने मशीन का अकाउंट बनाया होगा, तो यहां लिखते हो टू बैलेंस बीडी, नई मशीन खरीद के आई तो टू कैश, डेप्रिसिएशन लग गया तो बाई डेप्रिसिएशन, और फिर इधर अपने पास आ जाता है बाई बैलेंस सीडी। अब सवाल यह है, वो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, कह रहे हैं बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो जब ये तीनों लिख दोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर नहीं हो जाएगा, तो वही तो यहां भी है। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने मुझे गलतियां बता दी, गलतियां बता दी तो मैंने सारी गलती ठीक कर ली, ठीक करने के बाद मैंने सस्पेंस अकाउंट बना लिया, बना के सब चीज पोस्ट कर ली, वो तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया था, पोस्ट करने के बाद अब यहां पे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, तो जितने का बैलेंसिंग फिगर है उतना ही तो डिफरेंस रहा होगा, तभी तो टैली कर रहा है। अब समझ में आई बात, ठीक है, लिखो यहां पे 2720 डिफरेंस इन ट्रायल, फटाफट नोट करो, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो। जल्दी करो बेटा, आज मैक्सिमम क्वेश्चन करने,
हो गया। आगे बढ़े बेटा, चलो एक और क्वेश्चन। अब चैप्टर तो खत्म हो गया है, आज हम लोग को प्रैक्टिस ही करनी है। ये कौन सा क्वेश्चन किया था बेटा हम लोगों ने, 23। चलो अब जो करने जा रहे हैं वो भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और हम लोग करने जा रहे हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22, किसमें? इस, हाँ कर दो, बना लो, ठीक है कर दो। होमवर्क दे दूँ, कर लोगे कि मैं बनवा दूँ? पीएनएल बना के उसमें ट्रांसफर कर देना कैपिटल में। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, किसका बिजनेस है ये दिया है कि नहीं दिया है? तो नहीं करना, किसकी कैपिटल में ट्रांसफर करोगे? समझ गए ना, प्रोप्राइटर का नाम दिया होगा तो उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करना, या तो सिर्फ कैपिटल लिख दो। वैसे इंस्टीट्यूट ये फॉलो करता है, इधर देखो हम लोग को क्या लिखना है, जो इंस्टीट्यूट सही कहेगा। तो जब प्रोप्राइटर का नाम दिया होता है तब कैपिटल में ट्रांसफर करवाता है, नहीं दिया होता तो नहीं करवाता। आप हाँ पीएनएल एडजस्टमेंट बना लो। चलो आओ फटाफट, इधर देखो, ये भी 10 नंबर के लिए एग्जाम में आया था, जल्दी से देखो बेटा। अब आओ फटाफट देखिए स्क्रीन पे, मिस डेजी वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। मुझे बताओगे लास्ट ईयर का क्या मतलब हुआ? पिछले साल, पिछले साल ट्रायल नहीं टैली हुआ तो अभी तक वेट थोड़े ना कर रहे होंगे, पिछले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पैक हो गई होंगी। अब ये गलतियां कब पकड़ में आई? इस साल। तो कब रेक्टिफिकेशन हो रहा है? आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अब क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट की जगह कौन आएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। आगे पढ़ो, एंड रोट ऑफ द डिफरेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर ऑन वेरीफाइंग द ओल्ड बुक्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड। ठीक है, अब चलो इधर देखो, तुम लोग का डाउट यहां खत्म हो जाएगा। बताओ यहां पे प्रोप्राइटर का नाम दिया है ना, मिस डेजी, ठीक है, और अगले साल गलती ठीक हो रही है तो पीएनएल एडजस्टमेंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। अच्छा अब पढ़ो क्या क्या गलती है। नंबर एक, परचेज अकाउंट वॉज अंडरकास्ट बाई 8000। अंडरकास्ट का मतलब कम दिखाया है कि ज्यादा? परचेज क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, तो इसका मतलब 8000 से कम डेबिट किया है तो और डेबिट कर दें 8000 से, तो परचेज डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट कौन होगा? सस्पेंस, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल की जगह कौन आएगा? क्या एंट्री बन गई, पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, पहली एंट्री लिखिए, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 8000 बीइंग अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज नाउ रेक्टिफाइड। सेकेंड पॉइंट, चलो सेकेंड एंट्री देखो, सेल ऑफ गुड्स टू रहीम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। कौन सी एरर हुई, एरर ऑफ कौन सा ओमिशन, कंप्लीट या पार्शियल? कंप्लीट। तो कंप्लीट सबसे आसान होता है, जब लिखना ही भूल गए तो जो एंट्री होगी वही लिख दें, ठीक है। ये क्रेडिट सेल है कि कैश? क्रेडिट। कैसे पता चला, पार्टी का नाम दे रखा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, रहीम टू सेल्स, बोलो बेटा। अच्छा सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, ध्यान रखना, तो उसकी जगह कौन आएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। लिखिए रहीम अकाउंट डेबिट
two P&L adjustment. इसका अमाउंट है 2500 बीइंग सेल टू रहीम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड. आगे देखो आगे बढ़े. चलो अब इधर देखो, पिछले वाले से मिलती जुलती एंट्री है लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है. देखो कैश मिला है अशोक से और लिख दिया है ये पता नहीं क्या लिखा, अनबु के अकाउंट में लिख दिया है. ठीक है, अभी बताओ डेबिट तो कम से कम नहीं लिखा है, पिछले में क्या लिख दिया था डेबिट. तो अभी बताओ इसकी एंट्री क्या होती, सही होती तो कैश टू अशोक, इसने क्या कर दिया कैश टू अनबु. तो अनबु फालतू में क्रेडिट हो गया, क्या कर देंगे किसको क्रेडिट करेंगे अशोक को. क्या दोनों नॉमिनल है तो पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा ही नहीं. लिखो एंट्री अनबु अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट और ये है 1200 से. Being received from Ashok, recorded in Anbu account, now rectified. आगे पढ़ो बेटा. अमाउंट ऑफ रुपीज दिस ऑफ सेल वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज दिस. 4100 की सेल लिख दी 46 की, तो सेल बढ़ा के लिख दी. इधर देखो कितना था, ये वाला छोड़ो, 4100 होना चाहिए था लगभग लगभग, और कर दिया कितना लगभग लगभग 4600. तो सेल बढ़ा के लिख दी ना. सेल क्या करते हो नेचुरली, डेबिट के क्रेडिट, तो ज्यादा क्रेडिट कर दी. बैलेंस करने के लिए क्या कर दें डेबिट, किसको क्रेडिट करें सस्पेंस को. सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल की जगह कौन आ जाएगा. क्या एंट्री बन गई, पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस. इसका डिफरेंस लेकिन निकाल लो एक बार, 450 पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 450 being overcasting of sales now rectified. चलो आगे देखो नेक्स्ट फटाफट. रिपेयर टू मशीन, बेटा सामने देखो, रिपेयर टू मशीन डेबिटेड टू मशीन अकाउंट. अब सब बच्चे इधर देखो, जो पहली क्लास कर रहे हैं उनको पता है रिपेयर करवाने की एंट्री होती है रिपेयर टू कैश या बैंक. समझ गए ना, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने करा मशीन टू कैश या बैंक. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूं तो ज्यादा बढ़िया से क्लियर होगा. चलो सब बच्चे इधर देखो, देखो मशीन की अकाउंटिंग के लिए लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बोलो जो लोग पहले पढ़े हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या नाम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अब इस एएस में क्या लिखा है, नई मशीन अगर खरीदते हो, बेटा देखो ध्यान से सुनना, नई मशीन खरीदते हो
तो मशीन को खरीद के उसको पुट टू यूज करने तक के सारे खर्चे मशीन में जुड़ेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, ऐसे तो आपको बड़ा आसान लगता है, किसी कारखाने वाले ने मशीन मंगवाई जापान से, समझ गए ना, जापान से शोरूम पे जो पैसे दिए जापान में वो मशीन की कॉस्ट में आएंगे, वहां से शिप तक आई मशीन में जुड़ेगा, जब वहां से निकली तो कुछ टैक्सेस वगैरह देने पड़े वो भी उसी में आएगा, समझ आए, इंडिया आई यहां पे कुछ ड्यूटी पड़ी वो भी उसी में ऐड होगा, उसके कारखाने तक का लाना वो भी उसी में ऐड होगा। और सुनते जाओ, देखो अब अगले लेवल पे तो तुम लोग को एस पढ़ना है। अब वो मशीन जहां लगनी है बहुत बड़ी, ऐसे स्लोप बनाना है, वहां पे स्लोप बनाने का भी खर्चा उसी में ऐड होगा, फिर मशीन का ट्रायल होगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ट्रायल के भी खर्चे उसी में जुड़ेंगे। ठीक है, और सुनो नई जानकारी, देखो इधर, मशीन खरीदी आज, 10 साल बाद ये बेकार हो जाएगी, तो जिस जापानीज कंपनी से खरीदा है वही आके इसको अनइंस्टॉल कर पाएगी, और दूसरे के बस का नहीं है, तो उनसे पूछ लेते हैं बताओ 10 साल बाद तुम इसको हटाने का कितना पैसा लोगे, कहेंगे 1 करोड़, मान लो एक सेकंड के लिए। तो AS10 कहता है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उसको भी मशीन में जोड़ लो, क्यों, 10 साल बाद तो मशीन ही खत्म हो जाएगी, तो कहां ले जाके डेबिट क्रेडिट करोगे, बात समझ आई। तो अगर नई मशीन है तो मशीन को खरीद के पुट टू यूज करने तक के सारे एक्सपेंसेस किसमें जाते हैं, मशीन में, लेकिन रिपेयर नहीं जाता। किस मशीन की बात कर रहा हूं, नई की पुरानी, नई, बोलिए। और अगली बात सुनो, AS10 और क्या कहता है, अगर पुरानी मशीन खरीदे हो, बेटा बताओ पहली बात समझ में आई, अब ध्यान से सुनना, ये खूब घुमाता है इस पे, अगर पुरानी मशीन खरीदे हो तो रिपेयर का खर्चा भी मशीन में जाता है, सेकेंड हैंड मशीन खरीदा तो, जरा बताओ मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी, कैश में खरीदा, मशीन टू कैश, नई है, पुरानी खरीदा तब भी मशीन टू कैश, उसमें नई पुरानी थोड़ा ना लिखा जाता है। लेकिन हमारा अकाउंट क्या मान के चलता है, अगर पुरानी मशीन खरीदे हो तो वो चालू हालत में नहीं है, जब रिपेयर करवाओगे तब चलने लायक होगी, बात समझ में आई। तो पुरानी मशीन अगर रिपेयर होगी तो रिपेयर का भी उसकी एंट्री क्या होगी, मशीन टू कैश, लेकिन नई की नहीं होगी। अब इसमें चेक करो, मशीन नई है कि पुरानी, कुछ लिखा नहीं है तो क्या मान के चलोगे, सेकंड हैंड है, नई है ना, समझ गए। अब बताओ रिपेयर की क्या एंट्री होनी चाहिए, रिपेयर टू कैश, इसने क्या कर दिया, मशीन टू कैश, कौन फालतू में डेबिट हो गया, क्या कर दें, किसको डेबिट करें, रिपेयर कौन सा अकाउंट है, उसकी जगह कौन आ जाएगा, क्या एंट्री बन गई, PNL एडजस्टमेंट टू मशीन, लिखो। Being repaired to machine wrongly debited to machine account. Now rectified. अगर मान लो ये मशीन सेकेंड हैंड होती तब ये सही किया था इसने कि गलत किया था, तब सही किया था। कब एज्यूम करोगे कि सेकेंड हैंड है, जब लिखेगा, सेकेंड हैंड होगी तो खुद ही बताएगा, वरना हम न्यू मान के चलेंगे। चलो नेक्स्ट एंट्री बेटा, ये भी हो गई, लो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल एंटर्ड एज सेल, लो बताओ। चलो अब इधर देखो कितना इजी है, बेटा देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे देखना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉल। अब ये बताओ पॉल से गुड्स परचेज करोगे तो एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट टू पॉल, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये कहता है फॉर 300 एंटर्ड एज सेल, थी परचेज, हमने सेल जैसे रिकॉर्ड कर लिया, तो भाई सेल रिकॉर्ड किया होगा तब एंट्री हो गई होगी पी डेबिट टू सेल। परचेज को सेल लिखोगे
रिकॉर्डेड लिखा है, जरा बताओ रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल में। क्लासिफाइंग कहां होता है? लेजर में। बात समझ में आई? एंट्री पलट दी, तो क्या एंट्री होनी थी? परचेज टू पी, क्या एंट्री कर दी? पी टू सेल्स। अब फटाफट बताओ कैसे ठीक करें। फालतू में सेल क्रेडिट है, डेबिट कर दें, बोलो ये ठीक हो गया? परचेज डेबिट हुआ ही नहीं, तो परचेज को डेबिट कर दें, ठीक हो गया? अब पी की बारी आई, अब ध्यान से सुनना, पी तो फालतू में डेबिट हुए बैठे हैं, जबकि पी को क्या होना चाहिए? क्रेडिट। कितने का था ये? 300 का। अब इधर देखो, एक बार इनको 300 से क्रेडिट करेंगे तब तो ये बैलेंस होगा, दोबारा फिर क्रेडिट करेंगे 300 से तब जाके ठीक होगा। तो क्या एंट्री बन गई? परचेज डेबिट सेल डेबिट टू पी। बताओ बेटा, चलो फटाफट बताओ, परचेज सेल कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल की जगह कौन आ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या एंट्री बन गई? पीएनएल एडजस्टमेंट टू पी 600 से। थ्री थाउजेंड तो डबल हो गया ना बेटा। इधर देखो, 300 से ये, 300 से ये, दोनों की जगह पीएनएल लिखोगे ना? 3000 है। हाँ ठीक है, उस ये इसमें टाइपिंग है, ठीक कर लो, 3000 है तो 6000 हो जाएगा। बीइंग परचेज रिकॉर्डेड एज सेल नाउ रेक्टिफाइड। कौन बताएगा अब कितने अकाउंट बचे हैं? क्या अकाउंट भी बनाना है? कौन सा? एक सस्पेंस और दूसरा पीएनएल। और पीएनएल का बैलेंस कहां जाएगा? क्यों जाएगा? पिछले में क्यों नहीं गया? क्योंकि पिछले में प्रोप्राइटर का नाम नहीं दे रखा था, अभी अपने पास प्रोप्राइटर का नाम है। और चलो जल्दी से अकाउंट बनाओ। तो दो तीन एंट्री की जगह छोड़ देता हूं, दो एंट्री लगेगी और नीचे बनाते हैं अकाउंट। चलो देखो बेटा, अब फटाफट देखो जहां जहां पीएनएल एडजस्टमेंट आया है और सस्पेंस आया है, पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री में देखो, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ है, बताओ, तो उसमें भी जाएगा, और सस्पेंस क्रेडिट हुआ है उसमें भी जाएगा, दोनों में पोस्ट कर देते हैं। तो पीएल में लिखेंगे टू सस्पेंस 8000, टू सस्पेंस अकाउंट 8000, और यहां लिखेंगे बाई पीएनएल एडजस्टमेंट 8000। सेकंड देखो बेटा, सेकंड में पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है 2500 से, तो बाई रहीम
by Rahim, 2500. आगे थर्ड में ना पीएनएल एडजस्टमेंट है ना सस्पेंस है, फोर्थ में दोनों है, पीएल डेबिट सस्पेंस क्रेडिट 450 से, तो टू सस्पेंस 450 बाई पीएनएल, आगे पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ 1800 से टू मशीन, फिर पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ है 6000 से टू पॉल, अब ये जो इस लेजर को पैक करेंगे इसका बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, 8000 प्लस 450 प्लस 1800 प्लस 6000, 16250, 16250 माइनस 2500, 13750 बाई डेजीज कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, और यहां जाओ इसका टोटल आ गया 8450। क्या बेटा नहीं नहीं वो ठीक कराया था बेटा, ये ना ये वाला ये 3000 कर लो, 300 नहीं, अच्छा अब इधर देखो जरा एंट्री क्या बन गई फटाफट देखो, अब इसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया बताओ इसमें पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ कि डेबिट, किस साइड में लिखोगे, ये जो चीज है ये पीएल एडजस्टमेंट में किधर लिखे हो, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट ना तो टू पीएल एडजस्टमेंट, बोलो तो डेबिट कौन होगा, डेजीज कैपिटल अकाउंट, एंट्री हो गई डेजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, नहीं समझ आया, बीइंग डिफरेंस ऑफ पीएनएल एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, 13750, 13750 एंट्री नंबर 7, एट नंबर लास्ट एंट्री देखो, अच्छा ये बताओ अगर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस निकालें बेटा तो ये बैलेंस भी अपने पास आएगा कितना, 8450, ये बैलेंस आएगा, अब एक मिनट मेरी बात सुन लेते तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाता, चलो इधर देखो तीन टाइप के क्वेश्चन हमने किए, ये तीसरा टाइप है, देखो एक ऐसे होता था सब बच्चे देखो जिसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में ही दिया होता था तो हम रेक्टिफिकेशन करके सारी एंट्री लिखते थे, ये टैली हो जाता था, किए हैं ऐसे क्वेश्चन, बोलो किए ना, दूसरा अभी अभी किया इससे पहले, बैलेंस मिसिंग था बाकी सब दे रखा था तो सब करके इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया तब भी टैली कर गया, बताओ बेटा, तीसरा अब कर रहे हो क्या,
तीसरे में भी एंट्री तो हमने कर ली, हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, नहीं है ना। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, केयरफुली सुन लो, अभी मैं नोट बनवा के लिखवा भी दूंगा। क्या इसमें भी तो बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है? तो आपके पास दो चॉइसेस है। नंबर एक, या तो आप इसको ट्रायल का डिफरेंस मान लो, समझ गए ना, या नंबर दो, नंबर दो कि बैलेंस हमारे पास नहीं है, अब सब ठीक हो गया। क्या बोला मैंने बताओ? या तो हम इसको ट्रायल का डिफरेंस मान लें, या दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस आओ हम लोग डिसाइड करते हैं। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जल्दी से बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आता है? सब लोग बोलोगे जीपी, फटाफट बताओ ये कहां जाता है? पीएनएल में। यहां क्या आता है? अब बताओ नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहां जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये बताओ, जो इसने गलतियां करी है, इस गलती की वजह से ही तो इसका प्रॉफिट गलत है? उसी प्रॉफिट को ठीक करने के लिए ही तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल रखा है? बोलो बेटा, ये बताओ इन्होंने, कौन सा क्वेश्चन था? यही वाला था ना, ठीक है। अब ये देखो, साफ साफ यही लिखा था स्क्रीन पे, देखो, डेजी वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इनका टैली हुआ नहीं, इन्होंने तब भी सब कुछ बना के पीएल में डाल दिया। तो बताओ, जब ट्रायल ही नहीं टैली था तो पीएल का प्रॉफिट सही आया होगा? गलत। तो वो जाके कैपिटल में जुड़ा होगा, कैपिटल भी गलत हो गई होगी, सही है कि नहीं? अब कैपिटल ठीक करनी है, कैपिटल ठीक करनी है तो हमने क्या किया? सारी गलतियों को ठीक किया। देखो मैं स्क्रीन बड़ी कर दे रहा हूं, ये देखो, हमने सारी गलतियों को ठीक किया और पीएल एडजस्टमेंट बनाया। पीएल एडजस्टमेंट बनाने पे ये पता चला कि 13,750 रुपए से, 13,750 रुपए से हमने अपनी कैपिटल बढ़ा के दिखाई है। कैपिटल कब बढ़ती है? जब क्रेडिट करते हो कि डेबिट करते हो? क्रेडिट, बोलो। तो ये देखो ना, यहां एंट्री क्या डाले हो? कैपिटल टू पीएल, तो यहां कैपिटल डेबिट करी ना, तो जो कैपिटल गलत थी वो ठीक हो गई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात देखो यहां पे, अब ये दो चॉइस है। अब इस सवाल में भी सस्पेंस बन गया और सस्पेंस का बैलेंस दिया नहीं है, तो एक तो आप इसको लिख दो टू डिफरेंस इन दैट, खत्म करो। दूसरा मत लिखो डिफरेंस, आपके पास एक चॉइस और है, आप इसको भी उठा के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था? डिफरेंस तो देखो, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिफरेंस लिख दिया था, इसमें मैं ट्रांसफर करवा दे रहा हूं और फिर नीचे फुटनोट में लिख देंगे कि दो चॉइसेस हैं, चाहे तो ट्रांसफर कर दो, चाहे डिफरेंस लिख के छोड़ दो। है बेटा, डिफरेंस क्यों लिखेंगे? अच्छा, अब एक बात तुम नहीं समझ पाए, चलो वो भी मैं बताता हूं। इनकी क्वेश्चन का मैं डाउट दे रहा हूं, बाकी लोग बताओ पहले। इतनी बात समझ में आ गई ना? दो चॉइसेस हैं, क्या क्या? या तो डिफरेंस लिख के इसी में छोड़ दें, या तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। अब एक छोटा सा इनका डाउट है, हो सकता है आपके भी मन में आ रहा हो, सर ये क्यों जाएगा, ये तो पीएल में जा चुका है। पीएल में नहीं गया, मेरी बात सुनो। देखो जल्दी से बताओ, इधर देखो, मैंने मशीन खरीदी, एंट्री बन गई मशीन टू कैश। सब बच्चे देखना, 1,000 की मशीन खरीदी। अब फटाफट बताओ कौन से दो लेजर बनेंगे, एक मशीन और एक कैश? फटाफट बताना, मशीन में यहां लिखोगे टू कैश 1,000, कैश में यहां लिखोगे बाई मशीन 1,000, लिखोगे? बोलो। अब इधर देखो, ट्रायल बैलेंस बनाओगे? अब ये बताओ इसका बैलेंस इधर आएगा 1,000, कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट। तो इस बैलेंस का नाम क्या हुआ? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ट्रायल में किधर आता है? डेबिट साइड में। तो 1,000 लिख दोगे मशीन, बोलते जाओ। इधर इसका बैलेंस इधर आएगा,
1000 बैलेंस सीडी, बताइए कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट, तो इस बैलेंस का नाम क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो यहां लिखोगे कैश, लिखोगे 1000 यहां लिख दिया, बताओ पहले ट्रायल टैली हो रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, गलती हो गई, अब गलती कर रहा हूं इसमें, कैश में मान लो 100 रुपए दिखा दिए गलती से, एक जीरो हटा दिया, कैश में 100 दिखा दिए, तो यहां डिफरेंस कितने का आएगा, 100 का बैलेंस आएगा ना। अब वो 100 यहां ट्रांसफर करोगे, क्या आप भी ट्रायल टैली करेगा, नहीं करेगा, तो देखना बच्चे सुनना, अब यहां क्या लिखोगे, सारी डाउट ही खत्म हो जाएगी, लो अब ये टैली हुआ ना। अब बताओ इसके बाद कौन से लेजर बनते हैं, जर्नल बन चुका है, लेजर बन चुके हैं, ट्रायल बन चुका है, अब क्या बाकी है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, मशीन है और कैश है, न ट्रेडिंग में जाएगा न पीएल में, कहां जाएगा, बैलेंस शीट, लो बैलेंस शीट मैंने बना दी, देखो इधर बैलेंस शीट बना दी, अब मशीन क्या है, एसेट, इधर आ गया, कैश क्या है, एसेट, और ये अपने पास कैश का तो खैर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, मान लो मशीन उधार पे खरीदी थी, यहां मैं लिख देता हूं मिस्टर पी, तो ये पी के अकाउंट में आ गए, पी का इधर क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो एक तो मशीन हमने लिखा 1000 से, एक पी 100 से इधर आ गया, अच्छा यहां तक क्लियर है। अब एक बार और पूछ रहा हूं, यहीं से सब समझ में आ जाएगा, बताओ मशीन को किधर लिखा, एसेट साइड में लिखा ना, एसेट साइड में, पी को किधर लिखा, लाइबिलिटी साइड में, क्यों, इनका बैलेंस कैसा है, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटी का, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटी का। अब ये देखो सस्पेंस किधर आ रहा है, बोलो किस साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में, तो इसको बैलेंस शीट में लाइक लाइबिलिटी लिखा जाएगा, बात समझ में आई, When suspense account appears in trial balance in the debit side, then it is treated like asset. Suspense account shown in trial balance in the credit side, it is treated like liability. अब liability asset छोड़ो यार, debit balance है trial का तो asset side में जाता है, और credit है तो किधर जाता है, तो suspense PL में नहीं गया होगा, suspense PL में नहीं गया होगा। ट्रायल बैलेंस का पूरा नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस का ट्रायल टैली हो रहा है कि नहीं, और बैलेंस शीट का नाम क्या है, बैलेंस वाली शीट, बैलेंस ट्रायल में नहीं जाता, वो सस्पेंस अपने पास रहा होगा, जब गलती पकड़ में आएगी तब नफा हुआ कि नुकसान पता चलेगा, तब तो पीएल में जाएगा ना, ये नहीं जाता। तो अच्छे से समझ लो, देखो इधर ये कहानी क्यों सुनाई मैंने, जब भी कोई चीज ट्रायल की डेबिट साइड में है, ट्रायल की डेबिट साइड में है और उसको बैलेंस शीट में लिखना है, तो किधर लिखोगे, एसेट साइड में, क्रेडिट साइड में है तो कहां लिखोगे, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। लो एक चीज और सुन लो, जब जर्नल एंट्री पढ़ा था, जो लोग यहां भी क्लास कर रहे हो बेसिक की, ये बताओ दो अप्रोच होती है, एक इंडियन अप्रोच एक अमेरिकन अप्रोच। अमेरिका वाले क्या कहते हैं, रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं होता, वो कहते हैं एक एसेट अकाउंट होता है, एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, एक लॉस अकाउंट होता है, इसको डेबिट करोगे तो बढ़ेगा, क्रेडिट करोगे तो घटेगा, एक लायबिलिटी अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट अकाउंट होता है, बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, घटाना है तो डेबिट करो। तो इसका मतलब एसेट को डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो जो चीज डेबिट में है वो बैलेंस शीट में किधर जाएगी, एसेट साइड में, दैट्स इट, समझ आई बात। तो इसलिए सस्पेंस पीएल में नहीं गया होगा, बताओ अच्छे से दिमाग में बैठ गया कि नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा, क्योंकि ये बैलेंसेस किस में है, ट्रायल में, और ट्रायल वाली आइटम कहां लेके जाते हो, कहीं ना कहीं, अरे फाइनल अकाउंट वाले सवाल याद करो, एक ट्रायल दिया होता था कुछ डिफरेंस, तो आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे, ट्रायल की एक एक आइटम इसी में तो लिखते थे, फिर एडजस्टमेंट सही करते थे। चलो अब ये देखो बेटा, तो यहां हम लोग लिख रहे हैं टू डेजीज कैपिटल अकाउंट 8450, और नीचे लिखना पॉइंट टू रिमेंबर,
पॉइंट टू रिमेंबर. नंबर एक, सिंस इन दिस क्वेश्चन बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट वॉज नीदर गिवन नॉर आस्क्ड, सो वी ट्रांसफर्ड इट टू कैपिटल अकाउंट. पॉइंट टू, डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्रेडिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. ओके बेटा, आगे बढ़े. लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका चैप्टर खत्म. क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा, 20 से पहले एक बात बता दो जिस पे तुम लोग को ध्यान चला जाए जरा. हालांकि लिखवा तो दिया मैंने, फिर 20 करवा दूं. चलो इधर देखो एक मिनट, एक बात मैं पूछ रहा हूं, बताओ. एक क्वेश्चन आपने किया था जिसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया होता था. बेटा देखो स्क्रीन पे, एक टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया होता था, कभी इधर होता था कभी इधर होता था. तो अल्टीमेटली जब सारी रेक्टिफिकेशन करके पोस्ट करते थे तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाता था, टैली हो जाता था, बोलो. और फिर जब टैली होता था तो हम उसकी एंट्री नहीं डालते थे. दूसरा, आज क्वेश्चन किया जिसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया नहीं था, नहीं दिया था लेकिन पूछा था तब भी एंट्री नहीं डाली. अभी जो क्वेश्चन किया ये तीसरे टाइप का है, इसमें न तो बैलेंस दिया था न पूछा था तो एंट्री डालेंगे. ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं. देखो इंस्टीट्यूट जैसे जैसे सॉल्व करता है वैसे वैसे ही आपको करना है, तभी नंबर मिलेगा. फॉलो उसी को करना है. तो क्या जब बैलेंस देगा तो टैली हो जाएगा, नहीं देगा तो दो बातें होंगी, या तो पूछेगा या तो नहीं पूछेगा. पूछेगा तो बैलेंस डाल के खत्म करो, नहीं पूछेगा तो एंट्री डालो. कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट में. ये लिखा है देखो पहले ही पॉइंट में, सिंस इन दिस क्वेश्चन बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट वॉज नीदर गिवन नॉर आस्क्ड, सो वी ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट. न तो दिया है न पूछा है, पूछा होता तो छोड़ देते बैलेंस निकाल के. आगे बढ़े, चलो लास्ट क्वेश्चन 20. और 20 आपको आता है, जिसको आता है अब शुरू करो, खुद भी लगाओ, जिसको मेरे साथ साथ करना है करो. सब कुछ मैं करा चुका हूं, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है. अब नया चैप्टर शुरू करने का टाइम नहीं है इसलिए कर रहे हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20, आइए देखिए। ऑन 31 मार्च 2006 बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फटाफट बताओ, फाइनल अकाउंट नहीं बने हैं, क्या चेंजेस आएंगे? नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट आना है कि नहीं? नहीं आना है, ध्यान रखना। अच्छा आगे बढ़ो। मिस्टर ए प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस विच डिडंट टैली, ही पुट द डिफरेंस इन द न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट, द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। चलो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है लेकिन वो मांग रहा है, ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहली एंट्री, परचेज ऑफ 981 फ्रॉम राम, परचेज ऑफ 981 फ्रॉम राम। चलो बताओ बेटा, इधर देखें, जो लोग शुरू से कर रहे हो वो तो करो, आपसे हो जाएगा, जो आज पहली दूसरी क्लास है वो लोग ध्यान से सुनो। परचेज ऑफ 981 फ्रॉम राम वॉज पोस्टेड, जब पोस्टेड वर्ड मिल जाए तो जर्नल बना लो, दो लेजर बना के समझ लो कहां गड़बड़ हुई है, तब रेक्टिफिकेशन करो, ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखो परचेज ऑफ 981 फ्रॉम राम, चलो बताओ राम से परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, एंट्री यही बनेगी। अब पोस्टेड वर्ड आ गया इसलिए दो लेजर बना लो, एक परचेज एक राम, तो यहां आ जाएगा टू राम, यहां आ जाएगा बाई परचेज, कितना 981, तो 981 ये होना चाहिए था। अब उसने क्या किया पढ़ो, पोस्टेड एज 918 टू द डेबिट ऑफ राम अकाउंट। अब इधर देखो सब बच्चे क्या गड़बड़ करी, कह रहे हैं राम से परचेज किया, चलो जवाब दो, सब लोग जवाब दो जो खुद से कर रहे हो वो भी, राम से परचेज किया तो राम डेबिट होना था कि क्रेडिट? क्रेडिट ना, क्रेडिट होना था। इसने क्या गड़बड़ करी, कहता है हमने तो राम को डेबिट कर दिया वो भी 918 से। अब मेरी बात सुनो खूब ध्यान से, अगर तुमने राम को डेबिट किया है तो तुमने क्रेडिट किया ही नहीं, बोलो बेटा, अगर इसने राम को डेबिट किया है तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रेडिट इसने किया ही नहीं, क्रेडिट नहीं किया, और ये देखो डेबिट किए बैठा है 918 से। अब देखो कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं, 918 से डेबिट किया है तो 918 से क्रेडिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बोलिए फिर कितने से राम क्रेडिट होना था, 981 से, तो फिर 981 लिखोगे तो 981 लिखोगे तब ये क्रेडिट हो जाएगा। तो सो सिंपल, राम को हमें क्रेडिट करना है किससे, इन दोनों के सम से, ठीक है। एक बार और देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, एक बार और देखो, एक मिनट बेटा बस, चलो अब इधर देखो बेटा, सब बच्चे देखो इधर, राम से गुड्स खरीदे, इसको छोड़ो पहले, इधर खाली इतना देखना जितना मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको इतना देखना है, ठीक है, यहां से यहां तक क्या लिखा है, परचेज ऑफ 981 फ्रॉम राम, राम से 981 की परचेज करी, जल्दी से बताओ एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 981 से होगी। अच्छा अब 981 यहां आता और बाई परचेज 981 यहां आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से सुन लेता ना। अब आगे क्या कहता है, आगे मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं, वर पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब एंट्री ठीक है, पोस्टिंग में गड़बड़ हो गई, पोस्टेड का मतलब क्या है, एंट्री ठीक है पोस्टिंग में गड़बड़ हो गई। अच्छा तो अगर एंट्री ठीक है तो तुमने फिर से यही एंट्री डाली होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, एंट्री में तो गड़बड़ नहीं है ना, नहीं तो क्या लिखता, वॉज रिकॉर्डेड रॉन्गली, ठीक है। तो यहां तो 981 लिखा, चलो ये भी समझ में आता है, 981 लिख दिया।
अब आगे, अब यहां से दो लेजर खुलने चाहिए थे, एक परचेज और एक राम। परचेज डेबिट होना था टू राम 981 से, होना था। तो परचेज तो ठीक है, उसने परचेज का जब नाम ही नहीं लिया तो अपने मन से कहें सोच लूं कि परचेज भी गड़बड़ होगा। अब वो क्या कर रहे हैं, परचेज ठीक है, राम के डेबिट में लिख दिया। लो अब राम को क्रेडिट होना था, उल्टा राम को डेबिट कर दिया, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड विद रॉन्ग अमाउंट। बात समझ आ रही है? तो एक तो डेबिट कर दिया, चलो डेबिट कर दिया वो भी ठीक है। अब कह रहे हैं 918 से डेबिट कर दिया, 918 से। अब आप बच्चे बताओ, इधर देखो, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि राम के खाते में 981 का क्रेडिट बैलेंस दिखने लगे, क्या कहते हो? यहां क्या हो रहा है भाई, यहां तो डेबिट बैलेंस दिख रहा है। अब मुझे बताओ, अगर 918 यहां लिख दूं तो इससे ये कैंसिल, फिर 981 यहां लिख दूं तब तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो दोनों के सम से क्रेडिट ना कर दें राम को, डेबिट किसको करें? सस्पेंस को। क्यों? परचेज तो ठीक है, परचेज में कहां गड़बड़ है? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो लिखो क्या एंट्री बनी बताओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम। तो जब भी पोस्टेड वर्ड होगा जल्दबाजी मत करना, लेजर बना के समझ लेना। तुम लोग आंसर पहले निकालते हो, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हो। नाइन एट्टी वन प्लस 918 से ये एंट्री हुई, बीइंग रॉन्ग परचेजेस। चलो पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री देखो। दूसरी एंट्री चलो बेटा, सब बच्चे सामने देखो। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ सेल्स बुक। अब रुक जाओ यहीं पे, सोचो सेल डेबिट होती है कि क्रेडिट, की दोनों हो सकती है, डेबिट क्रेडिट दोनों। क्या होगा? ओनली क्रेडिट, डेबिट सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में बैठा लो, सेल बुक में एक ही साइड होती है, वो दैट इज क्रेडिट। तो इसका मतलब रॉन्ग साइड तो हो ही नहीं सकता, रॉन्ग अमाउंट हो जाएगा, रॉन्ग टोटलिंग हो जाएगी। अभी कह रहे हैं जब सेल्स बुक का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो 16,857 को लिख दिया 16,758। कम लिख दिया, कितना कम लिखा? 16857 माइनस 16758, 99 रुपीज से सेल को कम लिखा है। बढ़ा लो, सेल बढ़ाने के लिए क्या करूं, डेबिट की क्रेडिट? सेल को बढ़ाना है, डेबिट करें कि क्रेडिट? क्रेडिट, क्रेडिट ही तो होती है सेल, तो सेल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। डेबिट कौन होगा? सस्पेंस। बेटा कम करना है, ये देखो इतना लिख दिया है, लिखना इतना था, रिकॉर्डेड दिस इंस्टेड दिस, तो कम करना है। कम करना है तो सेल कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। क्रेडिट कौन हो जाएगा? सस्पेंस। बीइंग ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स रेक्टिफाइड। नेक्स्ट, देखो तीसरी एंट्री। अ परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 2000 हैज बीन पोस्टेड थ्रू परचेज अकाउंट। चलो इधर देखो, ऑफिस की टेबल फर्नीचर है ना, ऑफिस टेबल खरीदोगे तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट टू कैश या जैसे भी खरीदा है, और इसको आपने डाल दिया परचेज में, आपने लिख दिया परचेज टू कैश। बताओ फालतू में कौन डेबिट हो गया? क्या कर लें? क्रेडिट। कौन डेबिट नहीं हुआ उसको क्या कर लें? क्या एंट्री बन गई? फर्नीचर टू परचेज।
being purchase of furniture recorded as purchase, now rectified. Entry number 4. चलो, the total of return outward, फटाफट बताओ, return outward का क्या मतलब हुआ? Sales return की purchase, purchase return, purchase क्या होता है? Debit, purchase return क्या होगा? Credit. The total of purchase return book. अब सुनो, जब purchase में debit का column होता है, तो purchase return में of course हमेशा credit ही होगा. जब कहेगा कम दिखाया तो कम क्रेडिट किया, ज्यादा दिखा दिया तो ज्यादा क्रेडिट कर दिया. अब पढ़ो आगे क्या किया इसने. टोटल ऑफ रिटर्न आउट वर्ड बुक इन द मार्च हैज बीन अंडरकास्ट बाय 1000. कम दिखाया 1000 से, तो इसका मतलब 1000 से कम क्रेडिट किया, तो हम क्या कर लें? ज्यादा क्रेडिट कर दें? अरे बताओ ना, रिटर्न आउट वर्ड क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट. कम दिखाया तो कम क्रेडिट किया, कितने से? 1000 से. क्या कर लें? क्रेडिट कर लें. डेबिट किसको करें? सस्पेंस को. अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, टाइम खत्म हो रहा है, एंट्री में लिख दे रहा हूं. तो एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड 1000. नेक्स्ट, चलो देखो, अमाउंट 3000 रिसीव्ड फ्रॉम विजय. फटाफट बताओ, विजय से पैसे मिलेंगे, एंट्री क्या बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू विजय. तो बताओ, विजय क्रेडिट होना चाहिए कि डेबिट? क्रेडिट ना. विजय क्या होना चाहिए? उसने डेबिट कर दिया, ठीक है. अब इधर समझो, यहां देखो, विजय जो है, विजय क्रेडिट होना चाहिए था, उसने क्या कर दिया? डेबिट. तो जब एक बार क्रेडिट करोगे तो बैलेंस होगा, फिर क्रेडिट करोगे तब जाके क्रेडिट होगा, डबल से एंट्री आएगी, ठीक है. और ठीक करें तो क्या करें? विजय को क्रेडिट करें कितने से? 6000 से. डेबिट कौन होगा? सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विजय. नेक्स्ट, अब नरेशन तुम लोग कर लेना, ये होमवर्क है. 6 पॉइंट, पहले ये करा रहा हूं, सातवां, फिर छठा करेंगे. पहले सातवां, देखो सातवां क्या है. अ सेल ऑफ 1200 टू सिंह एंड कंपनी वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट. चलो जल्दी से बताओ, सिंह एंड कंपनी को सेल करी है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सिंह एंड कंपनी टू सेल ना, इनको डेबिट करना चाहिए. क्या कर दिया? पिछले वाले जैसा ही तो हो गया, डेबिट की बजाय क्रेडिट किए बैठे हो. तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट कितने से? डबल अमाउंट से. डबल मतलब 2400 से. तो लिखो सिंह एंड कंपनी डेबिट टू सस्पेंस 2400. लास्ट, अब जल्दी से देखो इधर, लास्ट पॉइंट, फिर ये क्वेश्चन भी खत्म, आपका चैप्टर भी खत्म. एट नहीं है, 6 है. चलो इधर देखो, अब ये वाला पॉइंट मैं बता दूं, फिर आराम से हो जाएगा. चलो इधर देखो बेटा, अब सब बच्चे देखो, है बहुत छोटा सा पॉइंट लेकिन सब लोग इसमें गड़बड़ करते हो. जल्दी से बताओ मुझे, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी? फटाफट बताओ, देखो इधर और सब लोग बताओ, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी? डेटर डेबिट टू सेल. बोलो बेटा, ध्यान से सुनते जाना. मैंने क्रेडिट सेल किया तो ये एंट्री होगी, है ना. अब यही वाला पॉइंट है उसमें. अब आगे देखो, देखो मैंने आपको क्रेडिट सेल किया, सब बच्चे देखो, तो मैं एंट्री पास करूंगा डेटर टू सेल्स.
फिर ड्यू डेट पे आपसे पैसे मांगूंगा, सपोज दैट पैसे नहीं दिए आपने, तो अब वो बैड डेट हो गया क्या? एंट्री बन गई बैड, यहां नीचे लिख रहा हूं, एंट्री बन गई बैड डेट टू डेटर। बताओ, डेटर तीन टाइप के, गुड, डाउटफुल, बैड। जिसका पैसा आ गया गुड, अभी उसमें डाउट है तो डाउटफुल, और नहीं आया तो बैड। बोलो ठीक है, बैड डेट में डाल दिया। अब बताओ बैड डेट कौन सा अकाउंट है रियल पर्सनल नॉमिनल में से? जल्दी से, नॉमिनल कहां जाएगा? पीएनएल में। अरे नुकसान हो गया ना, नुकसान कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। इधर देखो, अब अगली एंट्री क्या लिखेंगे? पीएनएल टू बैड डेट। अच्छे से सुन लो बेटा, फिर ये दोबारा गलती नहीं होगी। तो इसका मतलब जब हमारा बैड डेट हो जाता है तो हम ये एंट्री डालते हैं। अब जरा इसका इफेक्ट देखो, सब बच्चे देखना, डेटर का अकाउंट क्लोज, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, बैड डेट का अकाउंट क्लोज, फाइनल एंट्री बन गई पीएल टू सेल, हमने एक सेल करी जिसका नुकसान हो गया। यहां तक ठीक है, पैसे डूब गए। अब बताओ फिर से सब लोग फोकस करना, क्या डेटर का अकाउंट ओपन है? बोलो सब लोग, क्या बैड डेट का अकाउंट ओपन है? पैक हो गया ना। अब ध्यान से सुनो, ये था पिछला साल, अब इस साल वो पैसे लेके आ गया, वो डेटर पैसे लेके आ गया, ठीक है। अब सुनो, पैसे लेके आ गया, तो जैसे मान लो राम से पैसे मिले तो हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम, करते हो? तो जब वो पैसे लेके आएगा तो जनरली आपके दिमाग में आता है एंट्री पास कर दें कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, या कैश अकाउंट डेबिट टू जो उसका नाम है, मान लो उसका नाम पी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पी, आप लोग ये लिख लेते हो। ये नहीं लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू पी लिखने का मतलब जान रहे हो क्या होगा? इधर देखो, आपका जो कैश अकाउंट है वो तो डेबिट हो जाएगा, पी का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो पी में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, आपका क्रेडिटर दिखने लगेगा, जबकि ये तो बकायेदार था। बोलो, तो क्या करेंगे? तो एक नया खाता खोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। तो नेक्स्ट ईयर जब पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अब इसने बेवकूफी करी है, उसी के खाते में डाल दिया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बस यही पॉइंट है। आओ देखो, पढ़िए, अ सम ऑफ 1300 विच हैड बीन प्रीवियसली रिटन ऑफ। इधर देखो, 1300 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे। राइट ऑफ का मतलब समझ रहे हो? सब बच्चे देखना, तो इसका मतलब पहले 1300 की सेल हुई होगी, फिर पैसे मांगे होंगे, नहीं दिया होगा, तो बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया, राइट ऑफ करने का मतलब पीएल में भेज दिया, रिटन ऑफ एज बैड डेट। अब क्या कहते हैं? वॉज रिसीव्ड फ्रॉम आनंद, आनंद से मिल गया, आनंद से मिला, तो जनरली आदमी यही लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद, जबकि होना क्या चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अब इसने भी भाई बेवकूफी करी, क्या? आनंद अ कस्टमर एंड द सेम वॉज क्रेडिटेड इन आनंद अकाउंट, तो आनंद में थोड़े ना क्रेडिट होना था, किसमें क्रेडिट होना था? बैड डेट रिकवर्ड में। तो आनंद को क्या करें? डेबिट। किसको क्रेडिट करें? बैड डेट रिकवर्ड। दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। लिखो, आनंद डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अमाउंट बताओ बेटा, 1300। क्या सब लोग इसमें सस्पेंस अकाउंट बना लोगे? आप घर पे एंट्रीज देख देख के बनाना, और मैं यहां बना दे रहा हूं, फिर इससे टैली करा लेना। क्या इस क्वेश्चन में बैलेंस दिया है? एक 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 मिनट सामने देख लो, इधर देखो, कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज, तो कर तो दिया। प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट बनाए कहां से? बैलेंस तो तुमने दिया नहीं, तो क्या परेशानी है? बनाएंगे सस्पेंस, सब लिखेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। अब मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं, आप लोग देख देख के घर पे करना। चलो फिर इससे टैली करा लेना। अब यहां पे आएगा टू राम, हमने तो बहुत बार क्वेश्चन कराया बेटा, टू राम, टू रिटर्न आउटवर्ड। टू विजय,
by sales, by Singh and Company, 6400 का यहाँ आ जाएगा by difference. डबल एट डबल नाइन का टोटल आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया चल